हेमंत सोरेन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है राष्ट्रपति चुनाव। बड़ा सवाल, हेमंत पार्टी के वसूल के साथ जाएंगे या गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। भले ही राष्ट्रपति पद के लिए दो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने हैं और दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन यह चुनाव झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव चल दिया है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा बीच भंवर में फंसी हुई है। विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को उतारने के लिए जेएमएम ने भी हामी भरी थी, लेकिन एनडीए की ओर से आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारे जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बैकफुट पर चला गया है। जिस दिन यशवंत सिन्हा ने नामांकन किया, उस दिन हेमंत सोरेन दिल्ली में थे और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मिल रहे थे। उसी समय से कयास पर कयास लगाए जाने लगे। हेमंत ने भी यह कहकर सस्पेंस पैदा कर दिया कि समय आने दीजिए, पता चल जाएगा। अब चूंकि कल द्रौपदी मुर्मू झारखंड आने वाली है और वह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से समर्थन मांगेंगी, इसके बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि शिबू सोरेन की अगुवाई वाली पार्टी जेएमएम क्या कदम उठाती है। यह सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन पर निर्भर करता है। अब हेमंत सोरेन के सामने दो रास्ते हैं, जो किसी अग्निपथ से कम नहीं है। अगर हेमंत अपनी पार्टी के उसूल के साथ जाएंगे तो उन्हें द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना होगा, और अगर राजनीतिक धर्म निभाने के लिए गठबंधन धर्म का पालन करेंगे तो उन्हें यशवंत सिन्हा के साथ जाना होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि खुद को आदिवासियों की पार्टी के रूप में पेश करने वाला जेएमएम अपने उसूल के साथ जाएगा या फिर गठबंधन धर्म का पालन करेगा। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 15वें संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बनी हुई हैं। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सत्तारूढ़ एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। वर्तमान राजनीतिक हालात पर नजर डालें तो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। एनडीए से अलग रहने वाले बीजू जनता दल सहित कुछ और दलों की ओर से भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया गया है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं और वह आदिवासी हैं। द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में कार्यकाल पूरा करने वाली एकमात्र राज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त है। वह 6 सालों तक झारखंड की राज्यपाल रही थी। यदि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, जो देश के करीब 12 करोड़ आदिवासियों के लिए गौरव की बात होगी। अभी तक तो यही कहा जाता रहा है कि आजादी के बाद से ही आदिवासियों को मुख्य धारा से अलग थलग रखा गया है। जब ड्राइविंग सीट पर बैठने की बात आती है तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। हेमंत सोरेन की समस्या। लेकिन राजनीतिक नजरिए से राष्ट्रपति का यह चुनाव कई दलों के लिए धर्म संकट जैसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें से एक है। झामुमो के नेता हेमंत सोरेन के लिए राष्ट्रपति चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हेमंत सोरेन के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चुनाव में किसको अपना समर्थन दिया जाए। हेमंत सोरेन फिलहाल कांग्रेस और राजद के साथ झारखंड में मिलकर सरकार चला रहे हैं। ये दोनों ही दल यशवंत सिन्हा के प्रस्तावक हैं। ऐसे में देखा जाए तो हेमंत सोरेन को यशवंत सिन्हा को ही समर्थन देना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अगर उन्होंने अपने पिता के सियासी उसूल का उदाहरण लिया तो उनके लिए यशवंत सिन्हा के नाम का समर्थन करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही आदिवासी उम्मीदवार होने के नाते उन्हें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना पड़ेगा। अगर हेमंत सोरेन यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हैं तो वह गठबंधन धर्म का पालन करते दिखाई देंगे, लेकिन अगर वह द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं तो कहीं न कहीं उनके समक्ष गठबंधन में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इस बात को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस नाराज होगी और निकट भविष्य में दोनों के बीच कटुता आएगी। हो सकता है कि कांग्रेस अलग भी हो जाए। वैसे भी हाल में ही संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच तल्खी देखी गई। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राज्यसभा सीट उसे मिलेगी, लेकिन रांची आकर हेमंत सोरेन ने झामुमो उम्मीदवार महुआ मांझी के नाम की घोषणा कर दी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो के स्टैंड के कारण कांग्रेस अलग भी हो जाती है तो सरकार पर संकट नहीं होगा, क्योंकि वैसे में हेमंत सोरेन को भाजपा के पाले में जाने में कोई खास कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इससे झामुमो की विश्वसनीयता अल्पसंख्यक समुदाय के बीच हमेशा के लिए संदिग्ध हो जाएगी और इसमें कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। यहाँ बता दें कि झारखंड में सरकार गठन के बाद निश्चित रूप से हेमंत सोरेन ने अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम मतदाता और ईसाई मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाई है।
कांग्रेस के एक वर्ग को यह मलाल भी है कि एक एक कर हेमंत सोरेन उसके वोट बैंक में सेंध लगाते जा रहे हैं, लेकिन गठबंधन धर्म में बंधी होने के कारण कांग्रेस कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों? सवाल यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना क्यों हेमंत सोरेन के लिए जरूरी है। दरअसल हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में आदिवासी समाज की बड़ी भूमिका है। अगर वह द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं देते हैं तो आदिवासी समूह में यह मैसेज जा सकता है कि हेमंत सोरेन एक आदिवासी का विरोध कर रहे हैं। यह मैसेज हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा भाजपा के अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे खांटी आदिवासी नेता एक बार फिर से उनके बीच अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यही कारण है कि जब हेमंत सोरेन से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे तो वह गोल मटोल जवाब दे रहे थे। पार्टी की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि फिलहाल इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। जेएमएम को छवि की चिंता। पार्टी के एक नेता ने कहा कि जब आदिवासी के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है तो खुद को दूसरे पक्ष में देखना वैचारिक रूप से मुश्किल होगा। यद्यपि यशवंत सिन्हा भी झारखंड के नेता हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा, खासकर तब जब बीजेपी जैसे दल ने समर्थन देकर सिन्हा की जीत को ज्यादा मुश्किल बना दिया है। झामुमो के अंदर विधायकों की एक बड़ी संख्या साफ साफ चाहती है कि पार्टी द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करे। पार्टी नेताओं का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू का सोरेन परिवार से व्यक्तिगत रिश्ता झामुमो के निर्णय में अहम भूमिका निभाएगा। दोनों परिवारों में मधुर संबंध। जेएमएम के एक नेता ने कहा कि सोरेन और मुर्मू दोनों परिवारों में घनिष्ठता है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सोरेन के कई पारिवारिक रिश्ते हैं जहां से मुर्मू आती हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी सहित शिबू सोरेन की दो बहुएं इसी इलाके से हैं। हेमंत की बहन का विवाह भी उसी इलाके में हुआ है। यह सब द्रौपदी मुर्मू का पड़ला भारी करता है। हालांकि अभी अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है। सियासी नफा नुकसान। कहा जाता है कि सियासत में अंतिम कुछ भी नहीं होता और यहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। झामुमो भावनात्मक रूप से तो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़ा हो सकता है, लेकिन सियासी मजबूरियों के कारण उसे अपने कदम वापस खींचने पड़ सकते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि यदि झामुमो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करता है तो झारखंड के ईसाई और मुस्लिम मतदाताओं में इसका गलत संदेश जाएगा, जो पार्टी के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। झामुमो ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाई है और वह इसे खोना नहीं चाहेगा। हेमंत सोरेन के सामने दूसरा खतरा भाजपा के साथ झामुमो के रिश्ते का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब तक झामुमो ने दो बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन दोनों बार उसे नुकसान ही उठाना पड़ा। 2014 के चुनाव से पहले जब हेमंत सोरेन ने भाजपा के साथ जाने का फैसला किया था तब झामुमो को नुकसान उठाना पड़ा था। उस चुनाव में उसे 19 सीटें मिली थी, जबकि 2009 के चुनाव में उसने 18 सीटें जीती थी और उस बार भी भाजपा के सहयोग से शिबू सोरेन ने सरकार बनाई थी, लेकिन वह चल नहीं सकी थी। इस तरह झामुमो के लिए भाजपा का साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत मुफीद नहीं रहा है। यह भी सच है कि 2014 के बाद जब झामुमो पहली बार खुलकर भाजपा के खिलाफ आई और झारखंड की तत्कालीन रघुवर सरकार की जमकर बकिया उधेड़ी और अपने रुख में निरंतरता बनाए रखी, उसका परिणाम उसे 2019 के चुनाव में मिला जब उसने 30 सीटें जीत ली। झारखंड में झामुमो की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि शहरी सीटों पर भी उसने भाजपा को चौंका दिया। गिरिडीह की सीट उसने जीत ली, दुमका में उसने बाजी मार ली, गढ़वा में उसने झंडा गाड़ दिया। एक समय तो रांची सीट पर भी झामुमो उम्मीदवार महुआ मांझी सीपी सिंह जैसे सशक्त उम्मीदवार की सांसें रोक दी थी। अंतिम क्षणों में किसी तरह भाजपा को रांची सीट पर जीत मिली, जबकि पहले 40 से 50 हजार वोटों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार सीपी सिंह जीतते थे। रघुवर दास और केंद्र की भाजपा सरकार का प्रबल विरोध करने के कारण झामुमो की विश्वसनीयता वर्ग विशेष के मतदाताओं में खूब बढ़ा और इसका फायदा गठबंधन में होने के कारण कांग्रेस को भी हुआ। उसने 16 सीटें अपने हिस्से कर ली। यदि इस ट्रैक रिकॉर्ड को हेमंत सोरेन ने ध्यान में रखा तो उनके लिए राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो के रुख के बारे में फैसला करना और भी मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सियासत में अंतिम कुछ भी नहीं होता, हेमंत का फैसला भी चौंकाने वाला हो सकता है। वैसे राजनीतिक पंडित यह मान रहे हैं कि आदिवासी हित को देखते हुए हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। हालांकि वह जानते हैं कि उनके समर्थन देने या नहीं देने से द्रौपदी मुर्मू की जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उनके सामने मौजूद अग्नि परीक्षा भावनात्मक अधिक है।
अब झारखंड को इंतजार है हेमंत की घोषणा का। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।